हम इंसानों को संतुष्टि कब मिलती है? जब हम स्वस्थ रहते हैं, अच्छी तरह से अपना काम कर पाते हैं, सोच विचार सही होते हैं, मन में तरह तरह की उम्मीदें होती हैं और मन आत्मविश्वास से भरा होता है। तब इक्कीसवीं सदी हम इंसानों की बनाई हुई इस दुनिया में तरह तरह की कठिनाइयां हैं। इन सबसे जूझने के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए। हम इंसानों को बाहरी कठिनाइयों से जूझने के अलावा अंदरूनी कठिनाइयों से भी हरदम जूझना पड़ता है। कैसा लगेगा जब एक शक्ति हम इंसानों को सारी कठिनाइयों से मुकाबला करने की शक्ति दे? वह शक्ति है जैविक खाद्य। इसलिए जैविक खाद्य खाना और खेती करना बहुत जरूरी है। जैविक खेती करना विश्व में या भारतवर्ष में कोई नई बात नहीं है, यह सदियों से चलता आ रहा है। प्रणालीबद्ध तरीके से जैविक खेती करने की शुरुआत ज्यादा से ज्यादा 100 साल हुए हैं। सन 1924 में आधुनिक बायोडायनामिक एग्रीकल्चर पहली बार जैविक प्रणाली से खेती करने के बारे में ध्यान देना शुरू किया। जैविक प्रणाली से खेती करने का मतलब होता है कि जमीन की जो स्वाभाविक गुण है उसे नष्ट न होने देना और उस जमीन पर किसी भी रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना। खेत में जो भी खाद इस्तेमाल किया जाता है वह भी जैविक होता है, जिससे इंसान, जानवर और तो और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता भी कायम रहती है। भारतवर्ष या दुनिया के किसी भी प्रांत में जब भी खेती की प्रथा हुई थी वह जैविक प्रणाली से ही हुआ था। बढ़ती आबादी, खेती में मशीन का व्यवहार, उत्पादन को बढ़ाने की सोच ने उत्पादकों को रासायनिक खाद इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया था। धीरे धीरे रासायनिक पदार्थों का खेत में इस्तेमाल करने का खतरे का एहसास होने लगा। इस एहसास से शुरू हुई नई खोज की यह खोज सिर्फ एक ही दिशा की ओर बढ़ने लगी, जैविक खेती। जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिससे उत्पाद का गुण में बढ़ोतरी होती है और तो और जमीन के गुण भी बढ़ जाते हैं। ১৯৭২ में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट IFOAM एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो जैविक खेती के और उसके उत्पादों के गुणों को निश्चय करती है। इसी संस्था के आधार पर आज विश्व के कई देशों में जैविक खेती करना अनिवार्य घोषित कर दिया है। सन 1990 से जैविक खेती
और स्वास्थ्य पर जैविक खेती के उत्पादों को व्यवहार से होने वाले फायदों को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ने लगी। लोगों को समझ में आ गया था कि जैविक खाद्यों के व्यवहार से हम इंसान कैंसर जैसी बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। बढ़ती आबादी के चलते कृषि उत्पादों को एक सटीक मात्रा प्रदान करना और उसे खेत को बचाए रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई थी। सन 2025 में हमारे देश की आबादी बढ़कर 150 करोड़ हो जाएगी और सालाना 350 मिलियन टन खाने की जरूरत होगी। अब तक सबसे ज्यादा 272 मिलियन टन जरूरत हुई थी। ऐसी परिस्थितियों में खाद्यों के उत्पादन सही दिशा और सही मायने से होना बहुत जरूरी है। हमारे आने वाले भविष्य के लिए वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करना और उसके फायदे के बारे में लोगों को समझाना बहुत ही जरूरी है, जिससे कृषिकर्मी अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ा सके। वैज्ञानिक अब समझ गए हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। अब उत्पादन बढ़ाने की कोई आशार नहीं है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय पर जिन राज्यों में सबसे ज्यादा खाद्य उत्पादन होते थे, वे राज्य पूरे देश को पूरी मात्रा में खाद्य देने में सामर्थ्य थे। अधिक मात्रा या लगातार रासायनिक पदार्थों का खेत में इस्तेमाल करने से जमीन खराब हो चुकी है। एक समय में सबसे ज्यादा खाद्य उत्पादन करने वाले राज्यों को अब खाद्य दूसरे राज्यों से लाने पड़ते हैं, इसलिए एक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करना हमारे देश की विदेशी मुद्रा पर भी खराब प्रभाव पड़ सकता है और देखा जाए तो पड़ना शुरू भी हो गया है। यूरिया सार जो है
हम व्यवहार नहीं करता है। हमारा एक गोबर है, गोबर से जितना खेती करता है हम गोबर सर से हम खेती करता है। ये खाने से क्या होता है, न रोग होता है, न कोई बीमार होता है, न कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम होता है। खाने के लिए अच्छा है, सार भी भेटता है, जो है चलानी का वहाँ से जो सार है वो खरीद के ले आता है, तो उसमें क्या करता है आदमी को बीमार होता है, बहुत कुछ का बीमार होता है। लेकिन ये जो हम खेती करता है, ये हम बाज़ार में भी जाते हैं तो हमारे पास बहुत आदमी एक दिन जो खाता है वो बार बार हमारे पास खरीदने को आता है, और सब आदमी बोलता है कि आपका सामान बहुत अच्छा है, खाने में टेस्टिंग लगता है, तो हमारा खेती हम इसी से करता है। दुनिया भर में जितनी चाय की जरूरत होती है उसकी आधी खुद भारतवर्ष में उत्पादन होती है। असम की चाय विश्व प्रसिद्ध है, जो भारतवर्ष में उत्पादित चाय का आधा उत्पादन करते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करने की वजह से कुछ देशों ने हमारे चाय का इस्तेमाल करना बंद कर दिया या तो कम कर दिया है। अच्छी खबर यह है कि चाय के उत्पादकों ने बड़ी मात्रा में जैविक पद्धति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे कि नुकसान की काफी हद तक भरपाई हो चुकी है। जमीन की प्राकृतिक उर्वरता लंबे समय तक बचाए रखने के लिए बहुत ही सावधान होकर मशीन या यंत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए। विकास की बढ़ती दौड़ में हर तरफ प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ रही है। इस तरह हमारी जमीन भी प्रदूषित हो रही है। आधुनिक जीवन शैली में इस्तेमाल हो रहे कई तरह के यंत्रों के उपयोग से प्रदूषण बढ़ रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के प्राकृतिक घटनाओं की वजह से भी जमीन की गुण की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। जमीन की स्वाभाविक गुणवत्ता कायम रखने के लिए जमीन पर एक सुरक्षा परख होना बहुत जरूरी है। कृषि कर्म करने वाले लोगों में जैविक खेती और जमीन की स्वाभाविक गुण बनाए रखने के लिए कैसे कदम उठाने चाहिए, इस विषय को लेकर जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल के विपरीत जैविक खाद के इस्तेमाल से जमीन के गुण बढ़ने लगते हैं। हमारे देश में जीव जंतु इतना होने के बाद भी गोबर और गाय भैंस की पेशाब सही तरीके से और सही मात्रा में इस्तेमाल करें तो जमीन की गुणवत्ता बचाने में काफी हद तक कामयाब होंगे।
गाय भैंस का गोबर, पेशाब, घास फूस, बचे हुए खाद्य से सभी अच्छी मिश्रण से जैविक खाद बनाया जा सकता है। इन सभी चीजों को जैविक खेत में बहुत जल्द उपयोग में लाना होगा। खेतों में या खेतों के बीच बो रहे घास को सही समय पर साफ करना, फसलों पर अगर कुछ बीमारी हो तो उस पर सही तरीके से देखभाल करना और कीट पतंगों से बचाए रखना भी बहुत जरूरी होता है। इन सभी के लिए कई तरह के जैविक उपायों का प्रयोग किया जा सकता है। जैविक खेती के लिए बहुत ही जरूरी होता है गाय भैंस का गोबर और पेशाब, इसलिए गाय भैंसों का पालन भी सही तरीके से होना चाहिए। हमारे देश की पारंपरिक खेती बाड़ी में भी ऊंचे मात्रा में जीव जंतु का इस्तेमाल देखा जाता है। परिताप की विषय यह है कि इन चीजों का सही इस्तेमाल बहुत कम देखा जाता है। इन सभी दिशाओं के अलावा और एक दिशा है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खेती से अपने परिवेश के ऊपर हो रहे प्रभाव और प्राकृतिक रूप से रह रहे जीव जंतुओं पर इसका प्रभाव, जीव जंतु और आसपास के परिवेश जैविक खेती का रिमोट कंट्रोल जैसा काम करता है। कभी कभी परिवेश सही नहीं होने की वजह से भी जैविक खेती अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। आज के दुनिया का इंसान अपने वातावरण को इंसानों के उपयोगी बनाए रखने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों से इंसान को जीतने के लिए अपने चारों तरफ के प्राकृतिक परिवेश को सही रखना होगा। जैविक खेती का मतलब ही है कि पारंपरिक प्रणाली, संस्कृति, नई सोच, विज्ञान, इन सब का पूर्ण संतुलन। आज की इस दुनिया को बचाए रखने के लिए, इस धरती को हम इंसानों के उपयोगी बनाए रखने के लिए जैविक खेती अनिवार्य है।